उस अन्याय के खिलाफ आप सबने मिलजुल कर जो आवाज बुलंद की, आप निश्चिंत रहें, वो प्रशासन जो मूक दर्शक बना हुआ है, एक दिन दो दिन तीन दिन पांच दिन सात दिन कब तक इस काम को करेंगे। मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था, हिजरे कभी कतार को लूट नहीं सकते, और इस बात को इस बखूबी साबित कर रहे हैं। एक जनता जिस प्रजातंत्र में सुबह से लगातार त्राई त्राई कर रही है, इसके साथ इतनी बड़ी अन्याय हुई है। मैं अपने शब्द को सुस हो गई, बहने यहाँ खड़ी है, प्रजातंत्र और मेरी पार्टी और मेरी विचारधारा मुझे इस बात की इजाजत नहीं देगी उन शब्दों में इनका उच्चारण करूं, वरना तो जो शब्द मैं कह रहा हूँ वो भी इनके लिए अच्छे नहीं। शर्म आनी चाहिए थी। आपकी देख रेख में सुबह से वहां पूरा तक को दुकान पर बैठे कब्जा कर रहे हैं। एक बार तहसीलदार पटवारी जाके गए, सरकारी दुकानें हैं, सरकारी दुकानें तो आपके रिश्तेदार लगते हैं, तो वहां बैठे क्यों नहीं सरकार उनको कब्जे में लेती, और सरकारी दुकान नहीं है किसी व्यक्ति के, तो क्यों नहीं आप इस बात का फैसला करते वो किसकी दुकान है। यही प्रशासक, यही डिप्टी एसपी जो तो एक साल पहले महावीर की भाजपा की हत्या जिस दिन हुई अस्पताल में पूरे जिले के प्रशासन के सामने मेरे सामने तय हुआ था, ईटे भी हटेंगी, दुकान खाली भी होगी, हुआ भी उसी दिन हुआ।
एक साल तक आपके निर्णय करने के बाद भी गुंडों ने उस व्यक्ति को अपनी दुकान में बैठने नहीं दिया। अब जनता की सुरक्षा करने का वादा ले रखते हैं, अब किस बात की सुरक्षा करेंगे? आपको सरकार के अधिकारी ने सस्पेंड किया, नाक रगड़ रगड़ कर वापिस यहाँ आकर कुर्सी पर चिपके चिपके बैठे हो। आपसे किसी प्रकार की सुरक्षा की कोई उम्मीद नहीं था। मैं कई बार पहले भी कह चुका, ये भानुमति के कुंडे वाली सरकार और इस सरकार को चलाने वाले नुमाइंदे और उसके साथ प्रशासन में काम कर रहे लोग बूढ़ा की जनता को न्याय दे नहीं सकते। मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूँ, इससे पहले कि जनता कानून को अपने हाथ में ले ले, इससे पहले कि आपकी गोलियां कम पड़ जाएं, इससे पहले कि बूढ़ा जो एक शिक्षा नगरी है, शांति का केंद्र रहा, वो आतंक का केंद्र बन जाए, इससे पहले होश में आ जाओ। वरना बखूबी बूढ़ा को मैंने देखा है, पर हम तो ये कहना चाहते हैं कि यही वो जगह है। थानेदार साहिबान से और पुलिस के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, आप लोगों को दौड़ा दौड़ा कर लोगों ने यहाँ पीटा था, थानेदारों को सिर फोड़े गए थे, उनकी मदद करने वाला व्यक्ति कभी जनता के साथ न्याय कर नहीं सकता। उस दिन भी हमने आपको बचाया, हमी नहीं आपको बचाया। आप फिर हम आपसे कहना चाहते हैं कि कमजोरी छोड़ दो, न्याय का साथ दो। हम कोई भिखारी नहीं, आपसे कोई दुकान मांगने नहीं आए, हमारा हक है, हमारी दुकान है। हम हमारी दुकान इसलिए मांगने आए हैं कि उस दुकान को ले जाने में, उस पर कब्जा करवाने इस पुलिस प्रशासन का साथ है। लोग तो खुला लांछन लगा रहे थे अपनी आंदोलन के धरना स्थल पर कि लाखों रुपए आपको दिए गए, किस किस में बटे मुझे पता नहीं, पर प्रशासन में पुलिस के अलावा भी कहना चाहता हूँ, रेवन्यू के लोग अगर कोई खड़े हैं तो कान खोल कर सुन लें, फैसला करके तय करें। वो दुकान अगर सरकार की है तो अभी जाएं कुर्क करें, अगर वो दुकान हमारी है तो आप हमारी हमें दें, और वो दुकान किसी और की है तो आप हमें ये बताएं कि हिम्मत कैसे हो गई किसी व्यक्ति की किसी की दुकान तोड़ के सामान बाहर फेंकने की। ऐ प्रशासन वालों, ऐ पुलिस वालों, ऐ रेवन्यू वालों, इसी प्रकार अगर आपने लोगों की दुकानें तोड़वाई तो दिन दूर नहीं, तुम्हारी भी दुकानें नहीं, तुम्हारे घर टूटेंगे, तुमको जहां हो वहां से लोग बाहर निकाल कर लाएंगे। आप मजाक बना दिया आपने कानून का, आप लोगों को कानून हाथ में लेने की इजाजत देते हो। अगर लोगों को कानून हाथ में लेने की इजाजत देते हो तो तुम्हारी तरह कमजोर और नपुंसक कोई नहीं है, हिम्मत हम में भी है, दूध हमने भी पिया है। वो लोग जो गुंडागर्दी करते हैं मजबूर ना करें, हम संयमशील लोग हैं, हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, हमें मजबूर नहीं किया जाए, हमारी मजबूरी का फायदा नहीं उठाया जाए, वरना तो आपकी मदद की जरूरत नहीं। सुबह से मात्र देख रहे हैं कि देखिए प्रशासन कुछ करता भी है क्या, वरना अभी इन नौजवानों की भुजाओं में इतनी ताकत है, वो जो चार गुंडे बैठे उनको भी जूत मार के हटा सकते हैं, दुकान पे वापस जा भी सकते हैं। कोई कितना कमजोर ना समझे, आज फिर हम आपके प्रशासन की तरफ देख रहे हैं, हम फिर ये सोच रहे हैं कि आप लोग कानून का साथ देंगे। सुबह जो लोग हमसे बात करने आते हैं उनसे भी हमने कहा था कानून की बात करना शुरू कर दो, हमें कहा जा रहा है हम राजनीति कर रहे हैं। हाँ मित्रों, हम राजनीति कर रहे हैं क्योंकि आप जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों की दुकानों पे कब्जे करवा रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों से लोगों भ्रष्टाचार करके जेब में पैसे हटकर सस्पेंड होते हैं फिर बाहर होते हैं, इसलिए हम मजबूर है राजनीति करने के लिए। न सरकार पर भरोसा, न प्रशासन पर भरोसा, न आप लोगों पर भरोसा, पर यह भरोसा जड़ा मूल से मिट जाए, आपकी तरफ कोई नजर उठा के देखना बंद कर दे, इससे पहले पहले कह देना चाहता हूँ समय है, समझ जाओ, सुधर जाओ और व्यवस्था को सुधार लो। मात्र लोगों की गुलामी करना बंद करो, तुम्हारे माता पिता ने तुमको पढ़ाया है, इस लायक बनाया है, सरकार ने वर्दी आपको दी है, और लोगों के चुंगुल में आकर नाक रगड़ कर आप लोग इस नागरिक को करने के लिए इतनी कमजोर हो गए कि लोगों के साथ अन्याय बर्दाश्त कर रहे हो, नहीं करना चाहिए आपको ऐसा। और अब ऐसा ही करेंगे तो जनता अपने आप फैसला करेगी, समय बहुत कम बचा है, आपको हमेशा यही वर्दी पहननी है, यही कानून का साथ देना है, यही नौकरियां करनी है, उस दिन कहां जाओगे तो सारा निजाम बदल जाएगा, ये सस्पेंशन जो इनका हिसाब भी मांगा जाएगा,
जगह जगह तोड़ फोड़ कर रहे हो और लोगों की दुकानों पे कब्जे कर रहे हो, करा रहे हो, ये भी पूछा जाएगा कि आपने उस दिन वहां क्या न्याय की। ये मित्रों, मैं बड़ा विनम्र निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि अपने समय है, जनता को न्याय दीजिए। आपका नाम न्याय देने वाले अधिकारियों की लिस्ट में अपना नाम लिखवाइए, वरना हम तो जनता के लोग हैं, जन सेवक हैं, और ये जनता है न कभी कि हम ही बर्दाश्त करती है और न कभी आपको माफ करेगी। इससे पहले कि कोई इतना बड़ा रुकर रूपी आंदोलन ले लो, इससे पहले कि कोई बहुत बड़ी बात बन जाए, इससे पहले कि हाँ जोधपुर जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो जाए, अब भी वक्त है। जितने लोग आप हो, एक खाकी पहनकर हमारी नजरों को शर्मिंदा कर रहे, उनसे बताना चाहता हूं कि हमें तो आप ये कह रहे थे, सीआई साहब आप भी यहां खड़े हैं क्योंकि पुलिस ने, सरकार ने आपको भी ड्यूटी करने के लिए भेजा है, हमें तो आप सरेआम सुबह इंगित कर रहे थे कि हम राजनीति कर रहे हैं। आप राजनीति नहीं कर रहे हो, सोनी की दुकान पर अभी पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। है किसी पुलिस वाले की हिम्मत होगा कि बुंदू को वहां रोके? आप नहीं रोकेंगे, आप तो मरे हुए, आप तो बिके हुए, आपकी हिम्मत होती तो गुंडे वहां पोस्टर नहीं लगाते। पर मैं आपसे कहता हूं, अपनी समझ जाओ, रोको। हमने आप अभी तक ऊपर नीचे से बात को किया नहीं है, लेकिन आपसे फिर कहना चाहता हूं, गुंडों को इतना बढ़ावा दोगे तो किसी दिन गरेबान पकड़ के गुंडा आपका भी पकड़ने वाले हैं। इसलिए काम रोको तो हो रहा है, आप अगर फीस नहीं कर पा रहे दुकान किसके, तो जब तक वो किसी की नहीं है तब तक कैसे उस पर कोई पोस्टर चिपका सकता है, कैसे कोई गुंडावा कब्जा कर सकता है? यही आपको चलाना है तो कोई बात नहीं, आज आज का दिन है, न्याय करिए, फिर जनता के साथ हम देखेंगे क्या हमें करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।